अनुपमा शो में अहम किरदार निभाने वाले पारस कल्लावत ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अपने नए शो को लेकर आखिर इन्होंने क्या कुछ बताया, आखिर अनुपमा शो को छोड़ने के वो राज से पर्दा उठाया है इन्होंने, तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्या राज था जिसके चलते पारस कल्लावत ने इस शो को छोड़ा, और शो छोड़ने की कुछ ऐसी वजह जो शायद आपको ना पता हो, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अनुपमा एक ऐसा शो है जो कि देश का सबसे बड़ा शो बन चुका है, इंडिया का नंबर वन शो है, और इसी के साथ हर कोई एक्टर का ये सपना होता है अनुपमा जैसे बड़े शो में किसी न किसी कैरेक्टर से, किसी न किसी एज एन एक्टर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इस शो से जोड़ा जा सके अपना नाम। और पारस कल्लावत को ये मौका मिला था। पारस कल्लावत अनुपमा की बेटी के कैरेक्टर निभा रहे थे कई सालों तक इस शो में काम करने के बाद। इस बार अब मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब झलक दिखला जाके रिहर्सल में, मीडिया ने इनसे बात किया और पूछा कि क्यों आखिर आपने वो शो छोड़ के रियलिटी शो का सहारा लिया, तो पारस कल्लावत बताते हैं कि मेरी ग्रोथ रुक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी थम सी गई है, ना ही मुझे एक बड़ा मुकाम मिल रहा था, ना ही मुझे वहाँ पे एक अच्छा स्पेस स्क्रीन मिल रहा था, जिसके बाद जब मुझे ऑफ़र आया झलक दिखला जाके सीज़न 10 का, और ये शो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, करीब 5 साल के बाद इस शो की वापसी, ऐसी वापसी में अगर मुझे भी ऑफ़र आए तो मैं ये ऑफ़र को कैसे ठुकरा सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ही मुझे झलक दिखला जा सीज़न 10 के लिए ऑफ़र किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में एक ग्रोथ देखी जा सकती है। अनुपमा शो में रह के शायद मैं वो मुकाम कभी भी हासिल न कर पाऊँ जिसकी चाहत में मैं मुंबई पहुँचा और जिसकी चाहत में मैं एज एन एक्टर कोई भी एक्टर फील करता है, तो इसी के लिए मैंने समर के कैरेक्टर को छोड़ झलक दिखला जा के उस ऑफ़र को तुरंत प्रपोजल को अप्रूव कर दिया बिना सोचे बिना समझे। मुझे ये बात पता था कि अगर मैं झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो को अपनाता हूँ तो मेकर्स मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार था। अब जब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, अब जब मैं झलक दिखला जा के डांस रियलिटी शो में पहुँच चुका हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शो छोड़ के कोई भी गलत नहीं किया, मेरी ग्रोथ जहाँ पर रुकी थी अब मैं उससे कई गुना आगे चलता जा रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से ग्रोथ मेरी बढ़ती रहे, एज एन एक्टर और भी बड़ा मैं नाम करता रहूँ। और इस तरीके से मीडिया इंटरेक्शन के बाद जाहिर सी बात है साफ हो जाता है पारस कल्लावत एज समर का वो दर्द छलका जो शायद वो अनुपमा शो में रहकर किसी को ना बता पाए। आपको क्या लगता है, क्या पारस कल्लावत ने रियलिटी शो को ज्वाइन करके एक अच्छा और सटीक फैसला लिया है, या आप समझते हो नहीं अगर पारस कल्लावत अनुपमा शो में रहे जो कि इंडिया का नंबर वन शो है, भले ही वहाँ पे आपको डायलॉग ना मिले लेकिन वो शो के नाम के साथ ही आप तर जाते। आप अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं जेन्यूनली जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।